माता के चौथे स्वरूप कुष्ठमांडा का संक्षिप्त वर्णन लेके आई हूँ। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्ठमांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्ठमांडा देवी के नाम से भी अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभावी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्कर वर है। इसके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रभाव से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अव्यवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी आठ भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, वान, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जयमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्ठमांडा कुम्हारे को कहते हैं। बलियों में कुम्हारे की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है, इस कारण भी ये कुष्ठमांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन जब कुष्ठमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है, इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अच्छल मन से कुष्ठमांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना में कार्यों में लगाना चाहिए। माँ कुष्ठमांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्ठमांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनकी शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूपा संसार उनके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्ठमांडा की उपासना मनुष्यों को अधाधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये माता कुष्ठमांडा की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कल मैं पांचवें स्वरूप का वर्णन लेके आऊंगी।